धर्मनगरी चित्रकूट में एक ऐसा दिव्य आश्रम और मंदिर है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कोई भी ठाकुर जाने से हमेशा भयभीत रहता है। इस आश्रम और इसके मंदिर में रात होने पर कोई ठाकुर न दीपक जला सकता है, न घर बनाकर यहां रह सकता है और न ही ताल ठोक सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के बहु तहसील के अंतर्गत आने वाले गढ़वापुरा पताई गांव के घनघोर जंगल में स्थित परानु बाबा आश्रम और मंदिर की। यहां पर 15वीं शताब्दी में दरी नामक पुरातन शहर हुआ करता था, जब बघेल वंश के ठाकुर राजाओं साम्राज्य हुआ करता था और बड़ी बड़ी आलिशान हवेली हुआ करती थी। इसी पुरातन शहर के ठाकुरों के शहर के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ बघेल ठाकुरों की आबादी थी। इसी शहर में परानु बाबा काफ़ी घर था जो जाति ब्राह्मण थे और मरी देवी माता की पूजा आराधना किया करते थे। उनकी मरी देवी अनन्य भक्त माना जाता है, इसीलिए यह मंदिर आज भी चमत्कारी जाना जा रहा है। उसकी कारण क्या है आगे आप पूरी रिपोर्ट में जरूर देखिए। देखिए और तो कोई चीज किसी के लिए वर्जित नहीं है, ठीक है ना, खास करके ठाकुर वंश के लिए। यहाँ पर शाम का दीपक जलाना, शाम का जो दीपक होता है प्रकाशनीय दीपक होता है, उस दीपक को जलाना। ग्राम सभा गढ़वा के यानी दरी शहर के नाम के आधार से इस जगह का नाम, इस ग्राम का नाम गढ़वा रखा गया उस शहर को बिगड़ जाने के बाद। तो ग्राम सभा गढ़वा के तहत बाबा ने स्थान लिया पूरब पताई के ठाकुरों को बता करके, ठीक है ना, कि आए समय में हम यही स्थान ले रहे हैं, अब आए समय में हमारी क्षमता बढ़ेगी, महिमा होगी, मेला लगेगा, दूर दूर के लोग आएंगे, लेकिन आप लोग भी जाएंगे, मानेंगे, आप लोगों की मनसा पूर्ण होगी, लेकिन तीन चीज आप लोग इस 3 किलोमीटर यानी प्राणु बाबा के 7 किलोमीटर के दायरे में आप नहीं कर सकते हैं। ग्राम सभा गढ़वा के क्या क्या चीजें हैं? शाम का दीपक जलाना जो प्रकाशनीय होता है, और घर बना करके यहाँ रहना तीसरा रात्रि का, और तीसरा ताल ठोंकना नहीं। ये चीज आज भी वर्जित है और आज भी लोग मानते हैं। किन लोगों के लिए वर्जित है? ये ठाकुरों के लिए वर्जित है। शायद योगी जी यहाँ आ गए तो फिर योगी जी आ जाए तो उनके लिए भी वर्जित है। जो प्राणु बाबा का प्रविधान है वो सच्चा है, दिन के पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन शाम का सोचे कि दीपक जला दें, ठीक है ना, तो आज भी यही बात अमर है, ठीक है ना, कि ऐसा हो नहीं। बहुत ही सुना है हमने, मित्रगण पहले आए थे, हम आज उनसे सुन के आज आए हुए हैं, और बहुत ही भव्य और अच्छी स्थल है, आके दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा परानु बाबा के, और इनकी महिमा दूर दूर तक सुनी गई है। कई बार लोगों की मान्यताएं वगैरह इससे सही हुई, मतलब सफल हुई हैं, जो भी लोग मानते हैं। सामने मरी माता का मंदिर है और इनकी काफ़ी कहानियां हैं, इनकी कहानियों को सुन के और जान के, इनकी महिमा को जान के। तलवार का क्या मामला है कि परानु बाबा की तलवार नहीं दी गई तो फिर यहाँ? हाँ, तलवार उनको नहीं दी गई तो उनसे वो दुखी, उनको तलवार अपने कुछ कहानी है ऐसे सुनी हुई है, तलवार वगैरह का जो मैटर, तो बाद में उन्होंने तलवार लेने के लिए जब आए थे तो उन्हीं में अपना उन्होंने आत्महत्या वगैरह कर लिया था, ऐसा कुछ कहानी सुनी। चित्रकूट जिले में एक ऐसा स्थान है जो बरगढ़ में आप पहुंचेंगे तो इलाहाबाद हाईवे के बगल में परानु बाबा का मोड़ मिलता है। ये परानु बाबा का स्थान चित्रकूट में काफी प्रसिद्ध जाना जाता है। यदि आप इसकी मान्यता जानेंगे तो आप हैरान हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पर शाम के वक्त दिया और यहाँ पर मकान बनाकर और ताल नहीं ठोक सकते हैं, चाहे ये यूपी के सीएम योगी ही क्यों ना हो, ऐसा यहाँ के महंतों का मानना है। क्योंकि परानु बाबा की जो तलवार थी राजा ने गुमराह करके उनके माँ से अपने दरबार में सैनिकों से मंगवा लिया था, जिसके बाद परानु बाबा ने मांगने तक गए राजा के पास, लेकिन राजा ने उनकी तलवार वापस नहीं किया। ऐसे में परानु बाबा ने चाकू से अपनी आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद वो स्थान आज चित्रकूट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही स्थान है जो अपने काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्षत्रिय समाज को शाम होते ही 3 चीज़ों का पूरी तरीके से बैन किया गया है, ना ही दीपक जला सकते हैं और यहाँ पर मकान बना के 7 किलोमीटर की रेंज में रह नहीं सकते हैं और वो ताल नहीं ठोक सकते। ताल का मतलब कि उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस स्थान का महत्व काफ़ी चित्रकूट में बड़ा माना जाता है और इस स्थान में लोग दूर दूर से अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए पहुँचते हैं। धीरेन्द्र शुक्ला, न्यूज 18 चित्रकूट।